असल एंड वेलकम टू इजी मैडिक इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्राउन सक्वाड सिंड्रोम ब्राउन सक्वाड सिड्रोम अकर ड्यू टू देमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मीन्स इंजरी ऑफ स्पाइनल कार्ड एट वन साइड फॉर सपोज दिनल सेगमेंट अगर स्पाइनल कार्ड सेगमेंट की एक साइड पर इंजरी हो जाती है इसे कहते हैंमी सेक्शन हेमी सेक्शन कैन भी कम्पलीट कैन भी इनकम्प्लीट कैन भी एंटीरियरली कैन भी पोस्टीरली एंड कैन बी ओब्लिकली मीन्स केम अगर कंप्लीटली हाफ साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज इसे हम कहते हैं कंप्लीट हेमी सेक्शन कंप्लीटली हाफ से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुका है ऑन द अदर साइड अगर कंप्लीट हेमी सेक्शन नहीं है कंप्लीटली स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं हुआ है इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट हेमी सेक्शन और अगर हेमी सेक्शन एंटीरियर हाफ के अंदर हुई है तो इसे हम कहते हैं एंटीरियर हेमी सेक्शन मीन्स एंटीरियर हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज और अगर पोस्टीरियर हाफ डैमेज होता है तो उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर हेमी सेक्शन और ऑब्लिक है ऑब्लिकली हाफ साइड ऑफ स्पाइनल कॉल्ड डैमेज जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है हाफ साइड के अंदर तो डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं असेंडिंग ट्रैक्स जो कैरी कर रहे हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन और डिसेंडिंग ट्रैक्स जो कैरी करते हैं मोटर इन्फॉर्मेशन वो डैमेज हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ट्रैक्स डैमेज होते हैं ब्राउन सैक्वाड सिंड्रोम में उसके अकॉर्डिंग इसके सिम्टम्स अपेयर होते हैं सो इन ट्रैक्स को समझने के लिए कि कौन कौन से ट्रैक्स डैमेज होते हैं किसी भी स्पाइनल कॉर्ड के सिंड्रोम में हमें यह पता होना चाहिए कि ट्रैक जो असेंडिंग ट्रैक्स हैं और डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं वो किस लेवल पर डेक्यूसेट यानी अपोजिटली साइड मूव करते हैं कौन कौन से उनके फंक्शन होते हैं इन सिंड्रोम्स को बेहतर समझने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स की वीडियोस में पहले बना चुका हूँ उन वीडियोस को जरूर देखें अगर वो नहीं देखें क्योंकि उन वीडियोस के बगैर इन सिंड्रोम्स को आप नहीं समझ सकते सो so, uh, जो पोस्टीरियर कॉलम होता है स्पाइनल वाइट मैटर का उसके अंदर हमें पता है कि जो पोस्टीरियर uh, कॉलम uh, के अंदर सेंसरी uh, ट्रैक्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं फेसिकुलस ग्रेसेल्स और फेसिकुलस क्यूनिएटर्स ट्रेवल करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्राउन सेक्वर्ड सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी एट द ड्यू टू इंजरी ऑफ फेसिकुलस ग्रेसेल्स एंड फेसिकुलस क्यूनीटर्स फेसिकुलस ग्रेसेल्स और क्यूनीटर्स ट्रैवल करते हैं इन द पोस्टीरियर कॉलम के अंदर ठीक और वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर डेक्यूसेट यानी अपोजिटली साइड मूव नहीं करते लेटरल साइड पर रहते हैं दो साइड होती हैं एक एपसी लैटरल एक कॉन्ट्रा लेटरल ऐपसी लैटरल मीन्स सेम साइड और कॉन्ट्रा लेटरल मीन अपोजिट साइड मीन्स इस साइड से अगर एक ट्रैक शुरू होकर इस तरीके से मूव कर रहा होता है इस तरफ मूव कर जाता है इसे हम डेक्यूसेशन कह रहे हैं ऑन द कॉन्ट्रा लेटरल साइड सो so, जो फैसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फैसिकुलस क्यू नहीं होते हैं उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं फर्स्ट न्यूरॉन्स पोस्टियर कॉलम से ऊपर मूव करते हैं विदाउट डेक्यूसेटिंग और डेक्यूसेट करते हैं एट द लेवल ऑफ मेड्यूला सो विद स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो डेक्यूसेशन नहीं करते तो अगर हेमी सेक्शन होती है फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस अगर हेमी सेक्शन होती है किसी भी ट्रॉमा की मैकेनिकल ट्रॉमा एक्सीडेंट्स की वजह से बुलेट बाउंड स्टेप बाउंड या डिफरेंट इन्फेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और वर्टी और वर्टिब्रा या डिफरेंट एक्सीडेंट्स के अंदर जो इंजरी हो जाती है स्पाइनल कार्ड की उसकी वजह से हेमी सेक्शन हो सकती है या ट्यूमर की वजह से भी हेमी सेक्शन हो सकती है स्पाइनल कॉड की सो हेमी सेक्शन होगी स्पाइनल कॉड की हाफ साइड की तो आ, जो फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनेटस है वो डैमेज हो जाता है ठीक है फेसिकुलस ग्रेसिलिस और क्यूनियटस ऑन द ऑफ द इपसी लेटरल साइड क्योंकि फेसिकुलस ग्रेसिलिस और क्यूनिटस इस साइड पर भी प्रेजेंट होते हैं ट्रैक्ट बायलेटरल होते हैं तो इस साइड का ट्रैक्ट होता है वो डैमेज नहीं होगा ऑन द कॉन्ट्रा लेटरल साइड का ट्रैक डैमेज नहीं होगा इपसी लेटरल साइड का ट्रैक डैमेज हो रहा है इसलिए इपसी लेटरल लॉस होगा यानी जिस साइड पर इंजरी है स्पाइनल कॉर्ड की उसी साइड के ऊपर लॉस होगा किस चीज़ का लॉस होगा फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग Fine touch, fine touch, vibration, two point discrimination, two point discrimination. टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से चेक करते हैं कि कंपस की दो निब्स होती हैं उसको स्किन के ऊपर रखते हैं कुछ एम mm के डिस्टेंस के ऊपर और अगर कोई पेशेंट उसको महसूस कर सकते हैं उन दोनों पॉइंट्स को तो इसका मतलब उसके फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनिटस इंटैक्ट एंड डैमेज नहीं है टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन ब्राउन सेकर्ड सिंड्रोम में इन चारों सेंसेशन का लॉस होगा ऑन द इप्सिलैटरल साइड ड्यू टू डैमेज ऑफ फैसिकुलस ग्रैसिलिस एंड क्यूनिएटस सी सारा लॉस होगा ऑन द इप्सिलैटरल साइड नॉट द कॉन्ट्रैलैटरल साइड इप्सिलैटरल साइड पे लॉस है ये सारा सेम साइड पर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स होते हैं जो कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट है कैरी करता है मोटर इन्फॉमेसन फ्रॉम द ब्रेन अबाउट द वॉल्ट्री एक्टिविटी जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है हमारी हम मूवमेंट करते हैं वो सारी इज ड्यू टू द मोटर इंफॉमेसन फ्रॉम द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट सैरी बैलम से शुरू होता है और और आकर एंटीरियर हॉर्न सेल्स एंटीरियर हॉर्न सेल्स पर आकर सैन uh, करता है विद द मोटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स जाकर मसल्स को इनर्वेट करते हैं फॉर सपोज दिस इज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट तो हेमी सेक्शन के अंदर साइड लेटरल जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है वो डैमेज हो जाता है और सपोज हेमी सेक्शन हुई लैटरल साइड पर कार्टिको इप्सी लैटरल साइड विल बी डैमेज सो इप्सी लैटरल साइड पर क्या होगा पैरालिसिस हो जाएगा फॉर सपोज ये डैमेज हुआ है एट द लेवल ऑफ सी फोर ठीक ठीक ये डैमेज हुआ एट द लेवल ऑफ सी फोर C5, C6, C4 के ऊपर हेमी सेक्शन हुआ और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज हो गया ऑन ऑफ द सेम साइड इफ सी लेटल साइड तो जो एट द साइट ऑफ द लीजन C4 फोर की जो नर्व होती हैं नर्व हैं जो मसल्स को इनरवेट कर रही हैं इन मसल्स के अंदर होगा फ्लैसिड पैराल फ्लैसिड पैरालिसिस सारे वो सिम्टम्स होंगे एट द लेवल ऑफ इंजरी सी फोर के ऊपर जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर सारे वो सिम्टम्स अपेयर होंगे जो रिलेटेड है लोअर मोटर न्यूरॉन की इंजरी से क्योंकि यहाँ पर जो कम्पलीटली हेमी सेक्शन हुआ है तो एंटीयर हॉर्न सेल्स होते हैं जो यहाँ पर इनरवेट एंटीयर हॉर्न सेल्स जो मोटर न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इनरवेट करते हैं मसल्स को तो इस हेमी सेक्शन के अंदर वो भी डैमेज हो गए कार्टिकोस फैलाट्रैक्ट भी डैमेज हुआ है पैरालिसिस तो हो रहा है तो लोअर मोटर न्यूरोन भी उसको अब मसल को इनोवेट नहीं कर रहे क्योंकि वो भी डैमेज हो गए तो जो स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस होते हैं मसल्स के वो लॉस हो जाते हैं मसल्स फ्लैसिड हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिया तो इस पैरालिसिस को हम कहते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस बट बिलो द लीजन बिलो द लीजन वो सिम्टम्स अपेयर होते हैं जो कि होते हैं अपर मोटर न्यूर के लीजन के क्योंकि बिलो द बिलो द लीजन C5 के लोअर मोटर न्यूरॉन तो इंटैक्ट है लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज नहीं है इनके नीचे तक लेकिन कॉर्टिको स्पाइनल चुका है ऊपर ऑन द एफ सी साइड तो नीचे जितने भी न्यूरॉन जिन मसल्स को इनोवेट कर रहे हैं वहां पर होगा स्पास्टिक पैरालिसिस स्पास्टिक पैरालिसिस इसलिए कि जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं वो कैरी करते वो, uh, inhib कर हैं वो सुप्रा स्पाइनल इनिबिशन करवाते हैं इन स्पाइनल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस की जब ये ट्रैक्ट डैमेज हो जाते हैं किसी भी किस्म का ब्रेन अब इन्हेबिट नहीं कर सकता इन स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस को ये रिफ्लेक्सेस एग्जीजरेट हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं मसल की टोन जा, बढ़ जाती है हाइपर ड्यू टू तो द लॉस ऑफ सुप्रा इस्पाइनल इन्हीबिशन तो नीचे इसलिए स्पास्टिसिटी इस हो जाती है रिजिडिटी हो जाती है मसल फाइबर्स के अंदर और इसको इस टाइप इस की पैरालिसिस को हम कहते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस और नीचे जितने भी होंगे उसमें लोअर अपर मोटर न्यूरॉन टाइप लीजन में जो सिम्टम्स आते हैं वो होंगे तो साइन विल बी प्रेजेंट साइन डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कीट हो जाएंगे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एक्सिजरेट हो जाएंगे के अंदर मस्कुलर फैसिकुलेशन और डिफरेंट जो भी सिम्टम्स होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन्स की उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ वो भी देख लें ताकि इन टॉपिस को अच्छे तरीके समझ से समझ सकें तो एट द लेवल लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप इंजरी है और बिलो द लेवल अपर मोटर न्यूरॉन टाइप इंजरी है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की और इसमें भी जो लॉस है वॉलेंट्री मूवमेंट का जो पैरालिस होगा ऑफ हाफ साइड ऑफ द बॉडी ऑन द इपसी लेटरल साइड ठीक है एप्सी लेटरल लॉस है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का भी एप्सी लेटरल लॉस इसके बाद हमारे पास आते हैं स्पाइनोथैलैमिक ट्रैक्ट स्पाइनोथेलैमिक ट्रैक्ट दो टाइप्स के होते हैं एक लैटरल स्पाइनोथैलैमिक ट्रैक्ट एक एंटीरियर स्पाइनोथेलैमिक ट्रैक्ट इन दोनों को मिला के हम कहते हैं एंटीरोलैटरल सिस्टम ये कैरी करते हैं सेंसेशन जो स्पाइनोथेलैमिक ट्रैक्ट हैं ये कैरी करते हैं सेंसेशन रिगार्डिंग दी पेन टेम्परेचर प्रेशर एंड क्रूड टच जो एंटीरियर एंटीरोटल सिस्टम होता है जो फाइबर्स होते हैं स्पाइनोथेलैमिक ट्रैक्ट के ये फाइबर्स ही असेंड करते हैं एक दो स्पाइनल सेगमेंट असेंड करने के बाद ये सैनैक्स करते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ मीन्स के ये C4 है ये C5, ये C6, ये C7, ये C8. जो सी जो फॉर सपोज डैमेज हुआ है हैमी सेक्शन हुई है सी फाइव की ठीक है जो सी एट के हैं हेमी सेक्शन हुई है सी फाइव की ठीक है और स्पाइनोथेलॉमिक ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रालैटरली मूव करते हैं एट द लेवल ऑफ स्पाइनल सेगमेंट कि स्पाइनो जो स्पाइनोथेलॉमिक ट्रैक्ट के फाइबर आते हैं पॉस्टिव हॉर्न के अंदर सैनैप्स करते हैं विद से ऑर्डर न्यूरॉन और डेक्यूसेट करते हैं एट द लेवल ऑफ थ्रू द वाइट कमीशन जो एंटीरियर कॉलम से असेंड करते हैं फाइबर्स वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होते हैं और जो पोस्टीरियर कॉलम से असेंड करते हैं और एटरल कॉलम से असेंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट तो ये असेंड करते हैं एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड लेकिन ये असेंड करते हैं आफ्टर क्रॉसिंग वन और टू स्पाइनल सेगमेंट्स फॉर एग्जाम्पल सी एट के जो फाइबर्स होंगे वो आएंगे असेंड करेंगे ये पहला स्पाइनल सेगमेंट दूसरा स्पाइनल सेगमेंट और तीसरे स्पाइनल सेगमेंट में जाके सैनैप्स करते हैं विद द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ठीक है तो इंजरी अगर सी को हो रही है लेकिन फाइबर्स आ रहा होता है सी से इसी तरीके से सी सेवन का जो फाइबर्स फाइबर फाइबर होता है ये यह यहाँ आकर डेक्यूसेट करता है ठीक है इस तरीके से यहाँ पे यहाँ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है डेक्यूसेट करता है अपोजिट साइड के ऊपर तो इसी तरह C7 का अगर न्यूरॉन C7 सेवन के अगर आ, फाइबर्स हैं वो आएंगे पहला स्पाइनल सेगमेंट क्रॉस किया दूसरा स्पाइनल सेगमेंट और इसके ऊपर मीन्स के C8 का जो फाइबर होगा वो डैमेज नहीं होगा हेमी सेक्शन के अंदर इसी लेटर साइड के अंदर C7 का जो फाइबर है वो आफ्टर क्रॉसिंग C7, C6 और C5 तक जाएगा वो डैमेज हो जाएगा अच्छा जो C6 का फाइबर जो C6 के फाइबर हैं एपसी लेटरल साइड के वो भी डैमेज हो जाए वो भी डैमेज हो जाएगा तो नीचे अगर हम देखें पसी लेटरल साइड पर अगर हम बिलो देखें अगर सी फाइव पर लीजन होती है तो सी सिक्स का फाइबर भी डैमेज होगा सी सेवन का फाइबर भी डैमेज होगा लेकिन सी एट के नीचे जितने भी जितने भी सी एट के नीचे जितने भी स्पाइनोथेमिक ट्राइप के फाइबर्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे ऑन द इपसी लेटरलसीटरल साइड पर दो सेगमेंट बिलो लॉस होगा इन सब सेंसेशन का अब क्वान्ट लेटरल साइड पर अगर हम देखें C8 एट क्वंट्रल एट साइड पर अगर हम देखें C8 एट आफ्टर क्रॉसिंग वन टू यहां पर आके साइन एक्स करते हैं कॉन्ट्रल एटल साइड पॉजिटिव साइड मूव करके डैमेज हो जाएगा C8 का कॉन्ट्रल एटर साइड पर डेक्यू सी किया C5 पर जाकर डैमेज हो जाएगा यानी C8 का डैमेज होगा C7 का अगर हम देखें वन टू सी सेवन भी सी सेवन uh, भी डैमेज सी सिक्स विल नॉट भी डैमेज कॉन्ट्रालेटरल साइड पर अगर सी फाइव पर इंजरी है सी सिक्स सिर्फ डैमेज नहीं होगा लेकिन बाकी पूरा कॉन्ट्रालेटरल साइड पर लॉस होगा पेन का टेम्परेचर का प्रेशर का क्रूड टच का बट ऑन द एपसी लेटरल साइड बिलो द टू सेगमेंट्स टू जो सी फाइव से नीचे के दो सेगमेंट हैं उनमें भी लॉस्ट होगा नॉर्मली बुक्स में सिर्फ कॉन्ट्रा लेटरल साइड का होता है कि कॉन्ट्रा लेटरल साइड पर पेन टेम्परेचर प्रेशर लॉस होता है लेकिन एपसी लेटरल साइड के ऊपर भी दो सेगमेंट्स के अंदर लॉस uh, नहीं लॉस uh, होता है और उसके नीचे लॉस नहीं होता इसी तरह कॉन्टर साइड पर जो नीचे वाला सेगमेंट होता है उस पर किसी किस्म का लॉस नहीं होता क्योंकि ये जो फाइबर्स हैं ये आफ्टर इंटरिंग द स्पाइनल कॉल ट्रेवल करते हैं वन और टू स्पाइनल सेगमेंट उसके बाद सेनेप्स करते हैं विद द सेकेंड ऑर्डर निरॉन्स होप इट इज़ क्लियर थैंक यू